राजधानी के सेंट्रल पार्क में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चित्रकला और कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के 500 स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने भाग लिया। बाल दिवस के अवसर पर जन सहभागिता से आयोजित इस प्रतियोगिता में विमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप सहित कई मुद्दों पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाए। इस दौरान कमिश्नर संजय अग्रवाल, एडिशनल कमिश्नर नितिन दीप, डीसीपी मुख्यालय तेजस्विनी गौतम सहित कई आरपीएस अधिकारियों ने बच्चों की हौसला अफजाई की और विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। पुलिस आयुक्तालय हमेशा ही कुछ कुछ नया बच्चों के लिए, समाज के लिए, जन सहभागिता के लिए पूरा राजस्थान पुलिस करती रहती है। तो उसी में हमारा एक आइडिया था कि हम क्यों ना बाल दिवस के मौके पे, क्योंकि जयपुर पुलिस आयुक्तालय का हर साल एक एनुअल कैलेंडर निकलता है, तो उसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं की पुलिस को लेकर जो भी उनके एक्सप्रेशंस हैं बाय वे ऑफ पेंटिंग्स या कार्टून्स, हम क्यों ना उनको कैप्चर करें। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे एक कॉम्पिटिशन है जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, ऑलरेडी जो रजिस्टर किए हैं 3000 बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, और हम लोग जल्द ही ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने वाले हैं आज अभी, जिसमें 6 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राएँ भाग ले रहे हैं और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टॉपिक।